हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम जोन पे। तो फिर से मैं हाजिर हूँ नाबार्ड ग्रेड ए 2021 के लिए ESI और ARD सीरीज का पार्ट 23 लेकर। अभी तक 22 पार्ट, कितने 22 पार्ट हम लोग कवर कर चुके हैं। ये हमारा 23वां पार्ट है। अब से थोड़ी देर बाद यानी लेट नाइट तक मैं 24वां पार्ट भी नाबार्ड सीरीज का अपलोड कर दूंगा। उसके अलावा जो हमारा नाबार्ड का पेड ग्रुप है उस पर एग्रीकल्चर का जो बेसिक सोर्स होगा जिससे मैं लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ फ्यूचर में, वो मैं PDF फॉर्मेट में अपलोड कर दूंगा, ताकि आप चाहें तो खाली टाइम में उसको पढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ मैं उसी एग्रीकल्चर के सोर्स से आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करूंगा फ्यूचर में, और साथ ही साथ उसकी PDF भी अलग से ही प्रोवाइड करूंगा जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो एग्रीकल्चर का PDF जो सोर्स है उसकी PDF भी प्रोवाइड करूंगा, और 24th लेक्चर भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा अपने टेलीग्राम की जो पेड ग्रुप है उस पर। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा रिसेंटली किस फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ $500 मिलियन का लोन एग्रीमेंट किया गया है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वर्ल्ड बैंक के साथ, किसके साथ, वर्ल्ड बैंक के साथ $500 मिलियन का, कितना, $500 मिलियन का लोन एग्रीमेंट किया है ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। देखते हैं न्यूज़। देखिए, ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए $500 मिलियन का लोन एग्रीमेंट हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वर्ल्ड बैंक के बीच में। ये जो $500 मिलियन का लोन है ये देगा कौन? IBRD देगा, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जो कि वर्ल्ड बैंक की एक आर्म यानी शाखा है। वर्ल्ड बैंक दो लोगों से मिलकर बना है, एक हो गया IBRD आपका और दूसरा हो गया IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ये IBRD जो है वही ये $500 मिलियन का लोन दे रहा है। ये जो लोन होगा इसका मैच्योरिटी पीरियड 18.5 ईयर्स रहेगा, साथ ही साथ ग्रेस पीरियड रहेगा 5 ईयर्स का। ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स, ये भारतमाला परियोजना जो है प्रोग्राम, उसमें भी सहयोग करेंगे। भारतमाला परियोजना प्रोग्राम हम लोग बहुत बेहतर ढंग से कवर कर चुके हैं, यानी उससे ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो छूटे। तो वो आप प्रीवियस वीडियो देखेंगे, उसमें आपको मिल जाएगा भारतमाला परियोजना प्रोग्राम। उसमें मैंने आपसे तब भी कहा था कि इकोनॉमिक कॉरिडोर्स की लेंथ जरूर याद रखिएगा, 9000 किलोमीटर्स के आसपास हैं, वो जरूर याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में अगर आपसे पूछेंगे तो सबसे ज़्यादा वही पूछते हैं, मतलब पूछने का चांसेस है। और दूसरा कि टोटल लेंथ कितनी है हाईवेज की या फिर बजट कितना है, वो सब कुछ हम मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। वापस आते हैं ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट। ये जो ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स हैं इनको किनके तहत इम्प्लीमेंट किया जा रहा है या फिर क्यों इम्प्लीमेंट किया जा रहा है? देखिए, सितंबर 2015 में ग्रीन हाईवे पॉलिसी लॉन्च की गई। पर्पज़ था जो इंडिया के नेशनल हाईवेज़ हैं या फिर स्टेट हाईवेज़ हैं वहाँ पर प्लांटेशन करना और ग्रीनरी को इम्प्रूव करना उनके आसपास। उसके लिए गवर्नमेंट ने नेशनल ग्रीन हाईवे मिशन लॉन्च किया, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज द्वारा नेशनल ग्रीन हाईवेज मिशन लॉन्च किया गया। इसी नेशनल ग्रीन हाईवेज मिशन के तहत ये ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट किया जा रहे हैं। पर्पस क्या है? पर्पस यही है कि जितने भी हमारे नेशनल हाईवेज हैं उनके आसपास ग्रीनरी को इम्प्रूव करना। आप यहाँ देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट इज टू डेमोंस्ट्रेट सेफ एंड ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर इन द सिलेक्टेड स्टेट। ऑल ओवर इंडिया में नहीं, लेकिन कुछ सिलेक्टेड स्टेट्स होंगे जहां पर सेफ और ग्रीन हाईवेज़ को प्रमोट किया जाएगा। इसके 3 कंपोनेंट हैं, यानी जो हमारा कॉरिडोर प्रोजेक्ट है नेशनल ग्रीन हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट, इसके 3 कंपोनेंट हैं। पहला है ग्रीन हाईवे कॉरिडोर इम्प्रूवमेंट एंड मेंटेनेंस, मतलब ऐसे हाईवेज़ जो पहले से ग्रीन हाईवेज़ की कैटेगरी में हैं उनको इम्प्रूव करना और मेंटेनेंस करना। इस कंपोनेंट की टोटल लेंथ कितनी है? 783 किलोमीटर, और 5 वर्ष के लिए इनका मेंटेनेंस जो फंड है वो दिया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इन सिलेक्टेड स्टेट्स को, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। ये 4 स्टेट हैं जहाँ पर 783 किलोमीटर के एग्जिस्टिंग हाईवेज हैं जिनका इम्प्रूवमेंट करना है और मेंटेनेंस करना है अगले 5 वर्ष तक। दूसरा कंपोनेंट क्या है? इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी इन्हांसमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज का कैपेसिटी इन्हांसमेंट इसके तहत किया जाएगा। कैसे किया जाएगा? जो इसके पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको कंजर्व करके और क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी को इम्प्रूव करके, कहीं बाढ़ आ जाती है, कहीं पुल टूट जाता है तो नेशनल हाईवेज का बहुत नुकसान होता है कई बार, तो क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी को कम किया जाएगा। ये सेकंड कंपोनेंट जो है इसका इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी इन्हांसमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट का कैपेसिटी इन्हांसमेंट किया जाएगा। दूसरा है रोड सेफ्टी। हमारे इंडिया में लगभग 1.5 लाख लोग जो हाईवेज पर एक्सीडेंट होते हैं उसकी वजह से मर जाते हैं, हाईवेज की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये दायरा अपने आप में काफ़ी ज़्यादा है, हालांकि यहाँ पे 1.5 लाख में बोल रहा हूँ लेकिन ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा है। तो रोड सेफ्टी को भी इंश्योर किया जाएगा। तो ये 3 कंपोनेंट हैं हमारे ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट के तहत जिनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ग्रीन नेशनल हाईवे पॉलिसी जो है 2015 में आई थी, मैंने आपको बताया था
रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन, यानी एयर पोल्यूशन का जो प्रभाव हो रहा है उसको कम करना, साथ ही साथ जो डस्ट उड़ती रहती है वाहनों के चलने से उसको भी कर्व करना। अब ये कैसे कर्व होगी? टी का प्लांटेशन करके और सर जो झाड़ियाँ होती हैं उनको नेशनल हाईवेज के आसपास लगाने से एयर पोल्यूशन कंट्रोल होगा, नॉइस पोल्यूशन भी कंट्रोल होगा और जो डस्ट होती है वो भी तुरंत साइलेंट हो जाएगी। तो आप ये जरूर याद रखिएगा, वर्ल्ड बैंक ने क्योंकि $500 मिलियन का लोन एग्रीमेंट किया है तो उसके विषय में हमें पता होना चाहिए। जुलाई 1944 में वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के दौरान। स्टार्टिंग में इसका नाम था इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, बाद में IDA को भी इसमें मर्ज नहीं, मतलब कि IDA और IVRD को मिलाकर वर्ल्ड बैंक बना दिया गया। वर्ल्ड बैंक जो ग्रुप है टोटल उसमें 5 डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, जिनमें से 2 से मिलकर बना है वर्ल्ड बैंक और बाकी 3 अदर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? Washington DC में। वर्ल्ड बैंक की जो 5 संस्थाएं आप यहाँ पढ़ लीजिए, IBRD पहली हो गई, दूसरी IDA हो गई, तीसरी है IFSC। देखिए जो IDA होता है वो लो इनकम कंट्रीज़ को जीरो इंटरेस्ट पर या फिर बिना किसी इंटरेस्ट के, लो इंटरेस्ट पर लोन देता है। IFSC क्या करता है? कंपनीज़ को भी लोन देता है। उसके अलावा आपकी MIGA हो गई, ये फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं तो आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी MIGA, ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप का एक पार्ट है। आप देखिएगा इसमें जो भी क्या होता है, जैसे कोई संस्थान लोन दे रही है वर्ल्ड बैंक की तो उनका इंश्योर करता है, यानी कि उनको रिस्क ना होने पाए, आपका लोन डूबने ना पाए तो इंश्योरेंस प्रोवाइड करने की कोशिश करता है एक तरह से। और लास्ट संस्था है वर्ल्ड बैंक ग्रुप की इंटरनेशनल सेंटर फॉर द सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट ICSID। इंडिया इन 5 मेंबर्स में से ICSID का मेंबर नहीं है, आपको ये जरूर पता होना चाहिए। कंप्लीट वीडियो देखने के लिए आप नाबार्ड 2021 कोर्स इसमें इनरोलमेंट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको इस मेल आईडी पर एक ईमेल सेंड करना होगा, examison1.0@gmail.com। ये है मेल आईडी, आप इस पर मेल कर सकते हैं, जिसके बाद आप नाबार्ड 2021 कोर्स में इनरोलमेंट कर सकते हैं। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।